दोस्तों यहाँ पे मलवा रखा है, हमें वापस तो जाना ही पड़ेगा। जरा सी देर में स्लिप हो गया, इधर सुख भी नहीं है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और दोस्तों आज मेरा व्रत भी है और मुझे भोलेनाथ के मंदिर भी जाना है, जल चढ़ाने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए। पर मौसम आज बहुत ही बेकार हो रखा है, चारों तरफ कोहरा लग रखा है और मुझे जाना तो ज़रूरी था। और क्योंकि अभी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है बारिश में, तो इतनी तो चलेगी, मोटी बारिश होगी तो फिर मैं नहीं चल पाऊँगी। और पता नहीं, देखते हैं रास्ता भी आगे कैसे है, कहीं आधे में टूट रखा होगा, कैसा होगा वो भी मैं आगे जाके देखती हूँ। दोस्तों आ गई है दीदी लोग घास काट के, मैं तो जा रही चलो था घास पे धारा रहा पैथर बटे ये सरमाणु को और पैथर बटे पेंडू आओ। तो यहाँ पे रास्ता हुआ बंद, इसका बड़ा रिस्क लेना। ओह नो, जाने तो जाने सब कुछ है। देर में स्लिप हो गया, पाँव इधर सुख भी नहीं है। यहाँ पे रोड भी ब्लॉक, रोड के हुए बुरे हाल। कैसे जाना छोड़ निकल जाली स्कूटी कौन है बेटे, ये हम हैवी ड्राइवर चाहू भाई। बाप रे भाई, रिस्क नहीं लिया, वहां रह जाओ। वैसे भी ऊपर भी पूरा रास्ता बंद है, कार रिस्क ले रहे हो। हाँ ये पूरा बंद है, ये पूरा बंद है, मिंजोली वाला। नहीं धक्का मार के जोलम स्टैंड कर, फिर स्टैंड उनके बिना क्यों मरे। शक्ताल कद कर रस्ता चौक है, क्या लेना भाई रिस्क। ये भगवान, ये बोलिए आराम से हाँ। दल दल भाई हो, शिट बस पे साइड लगा फिर बस बस बस। तो यहाँ पे हैवी ड्राइवर सुनो यार, तो यहाँ पे दूसरी हैवी ड्राइवर आते हुए आराम से आराम से आराम से। भगनाचो भाई, और यहाँ पे तीसरे हैवी ड्राइवर जगह वाला, तो एक स्कूटर यहाँ से वापसी हो गई। हाँ यार मेरी धोने चल हम खुटा, तो पहले यहाँ पाँव धो लेते हैं, तुम निकलो मैं स्कूटर लेके आऊँ। चो पे बहुत ही मलबा रखा है, कुछ मतलब बड़ी गाड़ी तो यहाँ पे आ नहीं पाएगी, छोटी तो निकल भी गई, तो हम निकलते हैं।
करीब वरी उठी और गाड़ी पर रख ली थी अभी भी नहीं है रोड दोस्तों यहाँ पे मलवा रखा है, हमें वापस तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से देख सकते हो आप बिल्कुल हम जा नहीं पाएंगे अब तो शिट। तो अब चलते हैं घर। घर जाएंगे कहाँ जाएंगे अभी देखते हैं। बहुत बेकार सीन हो गया यहाँ पे तो शिट। ये देख सकते हैं रोड कहाँ है या फिर मलो शिट यार।
दोस्तों ये ऊपर बिजोली गांव की रोड है, ये पूरी नीचे आ चुकी है, पूरी रोड ही नीचे आ गई। और यहाँ जहाँ पे ट्रक जा रहा है मतलब यहाँ पे आ रखा, मलबा भी जैसे भी लगी थी तो उसने ये नीचे वाला मलबा तो साफ कर दिया। तो ऊपर तो बहुत रिस्क है, तो कोई कच्ची रोड में रिस्क ना लें। मैं वापस आ चुकी हूँ और तो अब यहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर था, यहाँ पे भी शिवालय, तो यहाँ पे मैं जल वल चढ़ा लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब रिस्क नहीं ले सकती मैं कहीं भी जाने का, क्योंकि रोड के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ। वहाँ से पूजा पाठ करके मंदिर से और अपने घर चलते हैं। ये हमारा तांबे का लोटा।
आप पहुंच चुके हैं घर पे। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूं। आई होप कि आप सबको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो और मिलती हूं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय 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 करो सबको जरा बाय बाय दोस्तों बाय बाय दोस्तों बोल बाय बाय दोस्तों।